बांदा आपको बता दे कि पूरा मामला बांदा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर आज के सामने यूनियन के पदाधिकारियों ने DRDM के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के सामने यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि MSP निश्चित की जाए और अजय मिश्रा तनी को बर्खास्त किया जाए। इन मांगों को लेकर DM महोदय को ज्ञापन दिया गया और DM साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन भेज दिया जाएगा। वहीं किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग यूपी सरकार को हराने का काम करेंगे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चैन की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बालाजी है, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का सेंट्रल। किस गांव से आए हैं? जी यही बुंदेलखंड से हैं, बांदा से। क्या मामला है जो आज DM साहब के पास आना पड़ा? जो अभी 378 दिन किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये तीनों कृषि काले कानून को लेकर, इसी का एक ज्ञापन दिया है हमने। काले कानून तो केंद्र सरकार ने वापस लिया, लेकिन 15 जनवरी तक का MSP पर गारंटी कानून बनाने का वादा किया था। केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई है, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि अगर जल्दी MSP का गारंटी कानून नहीं बनाया गया तो हम यूपी मिशन के तहत यूपी सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी यही दो मांगे हैं कि किसानों के हत्यारे लखीमपुर खीरी में राजेंद्र वो अजय मिश्र टेनी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए। DM साहब से मिले आज? जी DM साहब तो नहीं मिले, उनके प्रतिनिधि आए थे। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि आपकी अब ये मांग पत्र जो है हम राष्ट्रपति महोदय तक भिजवा देंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार रावत, राष्ट्रीय सचिव बुंदेलखंड किसान। आज किन मांगों को लेकर आप DM साहब को बताए? हमारा जो संयुक्त मोर्चा के उसमें जो है किया, उसके हम लोग जो है आज ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले हैं, उनके प्रतिनिधि को हमने ज्ञापन सौंप दिया। किन मुद्दों पे आपने ज्ञापन दिया है? एक तो हमारा MSP पे जो कानून तीन इकच कानून वापस होने पर उन्होंने बनाया था वो नहीं हुआ है अभी तक, और दूसरा हमारा टैनी मिश्रा टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, यही हमारे दो केवल आज की मुख्य मांग है। यदि आपकी मांग पूर्ण नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? आगे जो है आंदोलन करेंगे, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार हटा देंगे।